गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज जानना चाहते हैं मैथ्स में और निकालना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोगों को बताना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसा आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस क्लास हम लोग जो हैं वो क्या डिस्कस कर रहे थे, फॉर्म और वर्ब डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है तो फॉग जो होगा, फॉग एक्स, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या फॉग उसका डिसकंटिन्यूअस होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो लेट्स सी, वो हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से डिराइव करते हैं। तो एक क्वेश्चन उठाएं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें हम चूज कर रहे हैं एफ एक्स को, एंड लेट एफ एक्स बी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स बी 1 बाई x माइनस 1। ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग x, मतलब अल्टीमेटली आपको फॉग x की डिसकंटिन्यूटी बतानी है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो फंक्शंस गिवन है अलग अलग, एफ एक्स भी गिवन है और यहाँ पे जी एक्स भी गिवन है, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए जहां ये खुद एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है और जहां जी एक्स भी खुद डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपको क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, फिर फॉग निकाल के देखेंगे कि वो फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो gx में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब कि पहले ही पॉइंट आपको दिख गया कि x यहाँ पे gx 1 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 पुट कर दिए भैया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। आरी बात समझ में? अब यहाँ पे बताइए यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सा एक्सप्रेशन है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या करेंगे? सिंपल, वी विल डू फैक्टराइजेशन। कीजिए फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर टर्म, अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, और यहां से आ गया 1 बाई एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो x के सारे वैल्यूज ये एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्ट यहां पर minus ये फंक्शन, ये फंक्शन का जो डोमेन है आपको पता होगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, तो मगर इसमें एक वैल्यू बस आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 2 माइनस 1। यानी कि ये सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 2, क्योंकि अगर 2 ले लिए एक के जगह में तो नीचे 0 आ जाएगा, इट इज नॉट डिफाइंड। माइनस 1 भी होगा एक्स के जगह में, माइनस 1 भी होगा। वेरी गुड, इसका मतलब कि वी गॉट 2 पॉइंट्स, That is minus 1, comma, minus 2. यानी ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मगर माइनस 1 पे और 2 पे ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो इस फंक्शन से डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या मिला, माइनस 1 और 2, और यहाँ पे पॉइंट का फंक्शन क्या मिला, यहाँ ऑल रियल नंबर्स होगा एक्सेप्ट 1। ये थी अलग अलग फंक्शन की बात। ठीक है, अब पहले लिखे बता रही है अपना। बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि जो जी एक्स है बेटा, अगर आपसे पूछ रहा है फॉग की डिसकंटिन्यूटी, तो आप क्या करोगे कि जी एक्स को कुछ मानोगे, तो लेट जी एक्स बी इक्वल टू यू। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, फॉग का मतलब होता है कि इस फंक्शन को इसमें सब्सिट्यूट करना है, तो हम लोग यू के रूप में सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर यू के रूप में, यू मीन्स सिंपली व्हाट, 1 बाय x माइनस 1। U जब हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब ये मेरा जो फंक्शन हो जाएगा ये फॉग कहलाएगा, और फंक्शन क्या दिखेगा, U स्क्वायर माइनस U माइनस 2।
नाउ अब हम लोग यू को डिफाइन यू की एफ ये जो फॉग की डिस्कंटिन्यूटी है ये यू पे डिपेंड करेगी कि यू कहाँ कहाँ पे डिफाइन है या नीचे का डिनोमिनेटर कहाँ पे डिफाइन है. ये तो हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं कि भैया यू के दो ही वैल्यूज आएंगे. यू जो है वो या तो सारा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट दो वैल्यूज. कौन कौन से दो वैल्यूज आए थे? -1 और 2. यही दो वैल्यूज आए थे ना पक्का. पहला वाला सिर्फ 1 आया था. एफ एक्स का बोल रहे हैं जी एक्स का? इसको सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स रैशनलाइज इट. इसको अगर आप फिर से रैशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस यू माइनस 2. तो u कॉमन निकालेंगे आएगा u माइनस 2 प्लस 1 u माइनस 2. तो यह आ गया 1 बाई u प्लस 2 सॉरी u प्लस 1 एंड u माइनस 2. इसका मतलब कि यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट माइनस 1 और 2. ठीक है. अब देखो इसका मतलब कि ये क्या निकला? ये u निकला कि u क्या नहीं हो सकता? माइनस 1 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता. तो अगर हमको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चाहिए बेटा तो हम सिंपल लिखेंगे u हम लोग माने क्या था बताइए? 1 बाई एक्स माइनस 1. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली जो मेरा निकला है एक पॉइंट निकला है माइनस 1, इसको बराबर करेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 से. और एक पॉइंट मेरा क्या निकला है 2, इसको बराबर करेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 से. उससे हमको x मिल जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो मेरे ख्याल से ये होगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू 0. पक्का? यस 0. तो इसका मतलब कि हम लोगों को एक x मिलेगा 0, करेक्ट. और यहां तो जब सॉल्व करेंगे दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू टेल मी 3 बाई 2. वेरी गुड. इसका मतलब कि एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है 3 बाई 2, एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, और खुद जी एक्स चूंकि इसमें गया हुआ है तो जी एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस है बेटा बताइए? x क्या नहीं हो सकता है? 1 नहीं हो सकता है. इट मींस टोटल फॉग हैव 3 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स. व्हाट आर द पॉइंट्स? 1 -0, 3/2. Is that clear? So this completes the point of discontinuity and here is your answer. These are the 3 points of discontinuity which you can get. Thank you.